हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वन प्लस नोट टू के अंदर अभी रिसेंटली एक अपडेट आया था C.11 का, राइट? तो दोस्तों, ऐसे में आप लोगों को यहाँ पर 5G नेटवर्क देखने को मिला था और यहाँ पर सिक्योरिटी पेज देखने को मिला था अक्टूबर का, राइट? अब बात करते हैं कि दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो है नवंबर चल रहा है और अभी डेट जो ही है वो 11, आज की डेट में आई थिंक मैं देख लेता हूँ 16 तारीख हो चुकी है, राइट? वेनसडे है 16 नवंबर, राइट? तो दोस्तों, अभी काफ़ी ज़्यादा यूजर्स एक बात से बहुत परेशान है। मैं एक बात बता दूं दोस्तों कि वो है कि एक अपडेट आया है C.12 का, राइट? वो अपडेट ऑफिशियली यहाँ पर अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों वो जो ब्लॉग वाली जो वेबसाइट्स रहती हैं वहाँ पर एक किसी ने एडिटिंग करके वहाँ पर रोल आउट कर दिया है, राइट? तो दोस्तों, अब बात यह है कि बात मेरे तक पहुंची और मैंने इसके बारे में थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन किया अपने वन प्लस की टेक्निकल टीम से। तो दोस्तों, बाद में जब पता चला तो वो ये पता चला कि ये फेक न्यूज़ है और यहाँ पर C.12 का कोई भी अपडेट जारी नहीं किया है वन प्लस नोट टू के लिए, राइट? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा यूजर्स मेरे इस बात से परेशान है। जो लोग, मतलब देखिए, हर किसी को नहीं पता है C.12 के अपडेट के बारे में, लेकिन दोस्तों वहाँ पर किसी एक ब्लॉग साइट, मैं किसी वेबसाइट का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, लेकिन मैं बता दूँ, ब्लॉग वेबसाइट है, वहाँ पर उन्होंने टेक्निकल भी यहाँ पर पोस्ट डालते हैं वो, तो वहाँ पर C.12 के अपडेट से रिलेटेड वहाँ पर कुछ बातें लिखी थी। तो दोस्तों, उसमें से बहुत सारी चीज़ें कैमरे को लेकर भी लिखा था, बैटरी को भी, मतलब जिससे लोग ज़्यादातर उस ब्लॉग को पढ़ें और मतलब जो चीज़ें दी हुई है C.12 का, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक उनके ब्लॉग पर आए, उनकी वेबसाइट पर आए, इसलिए ऐसा लोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि दोस्तों गलत इन्फॉर्मेशन देना बिल्कुल सही बात नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे में मैंने जब उनसे डिस्कस किया टेक्निकल टीम से, तो उन्होंने क्लियर बोल दिया कि भाई ये चीज़ फेक है, ये फेक है बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों ऐसा वन प्लस ने कोई भी अपडेट यहाँ पर जारी नहीं किया है वन प्लस नोट टू के लिए। अगर कोई अपडेट आएगा तो ऑफिशियली यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा, ऑफिशियली आपके मोबाइल के अंदर आएगा और ऑफिशियली एप्लीकेशन जो कि कम्युनिटी ऐप है वन प्लस का, वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ऐसा वन प्लस की टीम ने बोला। लेकिन दोस्तों, बात करते हैं कि भाई C.12 का अपडेट कब आने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो नवंबर है वो मिड में आ चुका है और यहाँ पर सिक्योरिटी पेज भी नवंबर का देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो अपडेट है, अभी मोस्टली यूजर्स को, जितने भी वन प्लस की सीरीज है उनको 5G नेटवर्क से यहाँ पर रोल आउट किया जा रहा है और दोस्तों आने वाले टाइम में आप लोगों को अपडेट देखने को मिलेगा, जिसमें मेरे टेक्निकल टीम के साथ यहाँ पर डिस्कशन भी हुआ कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलने वाली हैं C.12 के अंदर। तो दोस्तों, उन्होंने बोला, एक तो आपकी बैटरी इंप्रूवमेंट रहेगी, बैटरी बैकअप को लेकर उन्होंने बात की, कैमरे को लेकर बात की है और कुछ मोबाइल के जो वर्क्स हैं, ठीक है, चाहे पर वो वीडियो कॉल को हो कि और भी सारे हैं जो, उनको लेकर यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, साथ में आपको सिक्योरिटी पेज भी देखने को मिलेगा नवंबर का। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट यहाँ पर मेरे को वन प्लस की टीम के थ्रू मिला है। लेकिन दोस्तों, ये एक बात बता दूँ कि यहाँ पर वन प्लस नोट की, मतलब वन प्लस सीरीज के अंदर Android 13 यहाँ पर थोड़ा तेजी से आगे बढ़ता हुआ है दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि शायद 1-2-3 या 2 से 3 से ज़्यादा अपडेट यहाँ पर OTA अपडेट हमें देखने को नहीं मिलने वाले हैं। इसके बाद डायरेक्टली हमें Android 13 देखने को मिल जाएगा और जिससे हम अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे, Android 12 से डायरेक्टली हम Android 13 पे मूव ऑन हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का मोटिव बस ये था कि आप लोगों को जो गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वो चीज़ आप लोग उससे अवेयर रहें और ध्यान रखें कि भाई ऐसा कुछ अपडेट आता है तो पहले हम उससे डिस्कशन करें, देन उसके बाद ही अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें किसी लिंक, थर्ड पार्टी लिंक वगैरह से, क्योंकि देखिए, अगर आपके मोबाइल के अंदर आएगा तो वो ऑफिशियली अपडेट होगा, कोई भेज नहीं सकता है। अगर आप उसको फोर्सली अपडेट करने जाते हैं तो वो कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, एक बार मुझसे कंफर्म करें, देन उसके बाद आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ बहुत जल्द ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।